दीपक रंजन, दीपक रंजन जरा समझाइए, क्या वाकई हालात या आप समझ गए हैं कि भाई प्रदेश स्तर पर ये गठबंधन नहीं होना था, या दरार पड़ गई है, ये खाई सिर्फ गहरी होगी और कुछ नहीं होगा? देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाली पार्टी है और समाजवादी पार्टी निरंतर जो है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती चली आ रही है। ये सही है कि हमारे 2018 में हमारे सिर्फ एक विधायक चुन करके आए, लेकिन उसके बावजूद भी बिना शर्त हमने कांग्रेस पार्टी को समर्थन हमने दिया सरकार बनाने के लिए। और जब कांग्रेस, जब समाजवादी पार्टी का समर्थन पत्र गया माननीय गवर्नर साहब को, उसके बाद ही गवर्नर साहब ने कांग्रेस पार्टी को बुलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है लगातार बात तो करती रही। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं से कुछ गलत नहीं कह रहे कि आपने बुला करके आपने बात की, आपके दो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने वहां पे बात की। देखिए पूजा जी, हमारे उत्तर प्रदेश में जितना जितना न्योता आप देंगे हम रिटर्न में आपको उतना ही न्योता वापस करते हैं। हमारे वहां एक परंपरा है, हमारे वहां एक, और आपके वहां भी होगा भाई, अगर आपने हमको मध्य प्रदेश में अच्छा किया हो तो निश्चित रूप से हम उसमें जो कुछ ना कुछ बढ़ा करके आपको देते। लेकिन जिस तरीके से आप बात करते रहे भाई, समाजवादी पार्टी पूजा जी को पहली बार तो चुनाव लड़ने गई नहीं थी वहां पे, समाजवादी पार्टी का संगठन है वहां पे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वहां पे, समाजवादी पार्टी के लोग झंडा बैनर उठा करके चल रहे वहां पे, तो क्या हम उनको वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को अपने संगठन को लोगों को हम हताश और निराश कर दें? देखिए समाजवादी पार्टी वो तो कह रहे हैं ना कि ऐसी किसी मीटिंग को लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया, वो तो साफ इस पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं ऋषि शंकर मिश्रा। देखिए पूजा जी, मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बात मानूंगा, और अगर वो देखिए अगर वो कहते हैं तो बड़ी ऑथेंटिसिटी के आधार पे कह रहे होंगे और कोई बात वो गलत नहीं कह रहे हैं। और देखिए गठबंधन धर्म समाजवादी पार्टी ने हमेशा मजबूती से जो है निभाया है, चाहे 2017 का चुनाव हो, कांग्रेस के पास 2012 में कितनी सीटें थी उसके बावजूद भी 100 से ज्यादा सीटें देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और इतनी सीटें लेने के बाद भी कांग्रेस ने जो है एकदम से मुंह मोड़ लिया गठबंधन से। तो समाजवादी पार्टी का क्या किसी पार्टी को अपने पार्टी का विस्तार करने का अधिकार नहीं? हमें अपने पार्टी का विस्तार नहीं करना चाहिए? अगर अब हम देखिए उसके बाद इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए आजमगढ़ हमारी परंपरागत सीट रही है, वहां पे सिद्धे आदरणीय नेताजी माननीय सांसद वहां से आजमगढ़ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख अखिलेश यादव जी वहां से माननीय सांसद रहे हैं। हमने तो आज तक आपके मेठीरा बेली नहीं कुछ कहा कि कौन जीता कौन हारा कौन कैसे हार गया कौन, लेकिन अब तो बयान आ रहे हैं ना उस पर भी उम्मीदवारी के लिए। नहीं नहीं, तो देखिए आपने, आपको जो है आजमगढ़ को लेकर के आपको नहीं कहना चाहिए था कुछ कि आजमगढ़ को लेकर के हम क्यों हारे क्यों जीते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो दुनिया जानती कि हम कैसे हारे कैसे नहीं हारे, लेकिन उसमें किसी दूसरे को बोलने का उसमें नहीं है, क्योंकि जो सीट माननीय नेताजी की रही हो हम उस पर अगर कोई बोलेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हम रायबरेली नहीं गए या अमेठी के लिए हमने बोला था कि अमेठी के लिए आपने, आप कैसे हार गए या क्यों हार गए या क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो आप उस पर रिएक्ट करते, लेकिन हमारी जो सीट है भाई अमेठी रायबरेली, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश एक विधानसभा चुनाव है, आप उसके लिए आईना दिखाने की बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, जिसके लिए आप इतनी कवायद करके सब एकजुट हुए, देखिए और आप खुद ही उसपे दरार डालने की उसपे सवाल आप खुद ही उठा रहे हैं। पूजा जी, समाजवादी पार्टी निरंतर चाहती थी कि हम लोग मिलकर के मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बात तो की। देखिए जो हमारी जीती हुई सीट थी उस पर भी आपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, और 6 सीटें जहां पर हम सेकेंड पोल किया था हमने, वहां पर भी आपने प्रत्याशी उतार दिया। आप एक तरफ तो बात करते हैं 6 सीटें देने की, आपने बात, लेकिन एमपी में तो सेल सारा ये जो पूरा खेल है ही 5-6 सीटों का। सरकार बन भी सकती है, सरकार हट भी सकती है, उन्हीं 5-6 सीटों पर कांग्रेस नहीं लेना चाहते रिस्क? देखिए स्वादी पार्टी की स्ट्रेटजी है पीडीए, और वहां पर एनडीए को पीडीए ही हराएगा, और अगर देखिए उसके बाद आफ्टर पोल अलायंस क्या समीकरण बनते हैं क्या समीकरण नहीं बनते हैं ये देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर चीजें पहले से स्पष्ट जाती तो समाजवादी पार्टी और मजबूती से तैयारी करती, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हीं सीटों पर फोकस किया था जहां पर समाजवादी पार्टी का जनाधार है, जहां समाजवादी पार्टी, वहां पर जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि कई ऐसी सीटें रही हैं पूजा जी जहां पर कांग्रेस पार्टी तीसरे पर रही है और समाजवादी पार्टी दूसरे पर रही है। इवन बिलावर सीट जो जहां समाजवादी पार्टी 2018 में जीती थी वहां पर भी आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो जल्दबाजी तो कांग्रेस पार्टी ने दिखाई नहीं, एक तो आप बात करते हैं, क्या हम अपने पार्टी का विस्तार ना करें? हमें अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार नहीं? हम अपने कार्यकर्ताओं को हराश और निराश कर दें, हताश और निराश कर दें? भाई उनका मन है वहां पे कि हम सब लोग चुनाव लड़े, उसके बावजूद भी हम ज्यादा सीटों पे ना कह करके हम चाहते थे भाई जो सीटें हमारी सेकेंड पोल हमने की थी जिन सीटों पे हम चुनाव जीते थे एटलीस्ट कम से कम वहां पर।